सो गाइस करते हैं शुरू टेक्सटॉफ का एक और नया एपिसोड रियलमी के साथ। रियलमी जीटी नियो 2T में हमें 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है और साथ में डुअल सेल बैटरी हमें स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। रियलमी क्लेम कर रहा है कि 0 to 100 स्मार्टफोन को चार्ज करने में 35 मिनट्स लगने वाली है। रियलमी जीटी नियो 2T के अलावा हमें चार और लॉन्चेस देखने को मिलने वाली है 19 अक्टूबर को। इनमें से एक तो ऑफकोर्स रियलमी UI 3.0 होने वाला है। इसके अलावा हमें रियलमी Q3S और साथ में रियलमी वॉच T1 ये भी देखने को मिलने वाली है। Realme Watch T1 की फर्स्ट लुक अब निकल के आ गई है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। दिस इज व्हाट द Realme Watch T1 इज रिपोर्टेडली गोइंग टू लुक लाइक। रबराइज्ड जिसमें आपको स्ट्रैप देखने को मिलने वाला है और साथ में वॉइस कॉलिंग की फीचर Realme Watch T1 में हमें देखने को मिलने वाली है। iQOO Z5X 20 अक्टूबर को चाइना में लॉन्च होने वाला है। स्मार्टफोन की फर्स्ट एवर ऑफिशियल लुक को भी आज iQOO ने टीज कर दिया है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। दिस इज व्हाट द iQOO Z5X इज ऑफिशियली गोइंग टू लुक लाइक। Nothing ने Qualcomm के साथ पार्टनर कर लिया है Snapdragon Tech के लिए। Nothing के आने वाले प्रोडक्ट्स में हमें Snapdragon प्रोसेसर्स देखने को मिलने वाले हैं और इन ऑल लाइक्लीहुड ये Nothing के अपकमिंग स्मार्टफोन्स की बात हो रही है। और एक्सक्लूसिवली वैसे आपको बताना चाहूंगा कि अगले साल हमें Nothing के स्मार्टफोन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। इन ऑल लाइक्लीहुड Nothing के पहले स्मार्टफोन का नाम होगा Nothing Phone 1। Samsung Galaxy S21 फैन एडिशन तो भैया मजाक बन के रह गया, मतलब बहुत सारे लीक्स निकल के आ रहे हैं कि ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा नहीं होगा, बहुत सारी कंफ्यूजन चलती आ रही है। और अभी कुछ टाइम पहले सुनने में आ रहा था कि गैलेक्सी S21 FE हमें जनवरी 2022 में देखने को मिलेगा। और इस लेटेस्ट लीक की अगर हम माने तो सैमसंग की आने वाली अनपैक इवेंट जो कि 20th को स्केड्यूल्ड है, इसमें हमें सैमसंग गैलेक्सी S21 FE देखने को मिलने वाला है। रियलमी GT स्मार्टफोन्स फैमिली में एक और चौथी एडिशन होने वाली है। इसके बारे में रियलमी GT नियो 2 की लॉन्च में माधव शेठ जी ने कंफर्म कर दिया था। अब सुनने में आ रहा है कि ये रियलमी का फोल्डेबल स्मार्टफोन हो सकता है, इसका नाम हो सकता है Realme GTX। जब गाइस Realme GT लॉन्च हुआ था तभी Realme GTX के बारे में रूमर्स आने शुरू हुए थे, बट अभी तक Realme ने इस फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं कहा, बट यस लेके चलो आपको Realme की तरफ से ये फोल्डेबल स्मार्टफोन भी काफी जल्दी देखने को मिल सकता है। अपडेट्स टाइम गाइस, ट्विटर ने फाइनली रिमूव फॉलोअर फीचर को अनवेल कर दिया है। इससे आप किसी भी फॉलोअर को सॉफ्ट ब्लॉक कर सकते हो, मतलब अगर आप ज्यादा हार्श नहीं होना चाहते और अगर आप किसी को ब्लॉक नहीं करना चाहते बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको स्पैम कर रहा है, हेटरेट फैला रहा है, तो अब आप ट्विटर पे किसी भी ऐसे फॉलोअर को रिमूव कर सकते हैं। गूगल पिक्सल 6 सीरीज के स्मार्टफोन्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं और इस लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर हम माने तो गूगल पिक्सल 6 सीरीज के स्मार्टफोन्स में हमें चार मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे और साथ में 5 साल के एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलने वाले हैं। इंस्टाग्राम ने लाइव क्रिएटर्स के लिए 2 नए फीचर्स को अब अनवील कर दिया है, स्केड्यूल लाइव वीडियो और साथ में प्रैक्टिस मोड को अब इंस्टाग्राम ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए अनवील कर दिया है। लॉन्चेस टाइम गए, टिक वॉच ने अपनी एक और नई प्रीमियम स्मार्ट वॉच को अनवील कर दिया है। इसका नाम है टिक वॉच प्रो 3 अल्ट्रा। इसमें आपको डुअल डिस्प्लेस देखने को मिलती है, हाईटेक यहाँ पे आपको डिस्प्लेस देखने को मिलती है, एक एमोलेड पैनल है और दूसरी आपको यहाँ पे FSTN LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ में Qualcomm Snapdragon Wear 4100 प्रोसेसर है, Wear OS आपको देखने को मिलता है और इस स्मार्ट वॉच की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइसिंग सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। OnePlus 9RT और OnePlus Buds Z2 भी अब चाइना में लॉन्च हो गई है। काफी जल्दी ये दोनों चीजें आपको इंडिया में भी देखने को मिलने वाली है। OnePlus 9RT इंडिया में अराउंड 40,000 का आपको देखने को मिलने वाला है और OnePlus Buds Z2 6,000 के आसपास आपको काफी जल्दी अब इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। इन दोनों प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइस, ये दिखते कैसे हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ब्लैक शार्क 4S और ब्लैक शार्क 4S प्रो ये दोनों स्मार्टफोन्स भी काफी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग के साथ चाइना में लॉन्च कर दिए गए हैं। अराउंड 31,000 रुपीज की इसकी स्टार्टिंग प्राइसिंग है और ब्लैक शार्क 4S, ब्लैक शार्क 4S प्रो इन दोनों स्मार्टफोन्स की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइसिंग ये दिखते कैसे हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। टेक्नो स्पार्क 8P भी लॉन्च हो गया है। इसकी प्राइसिंग अभी वैसे टेक्नो ने अनवेल नहीं की बट 1 महीने के अंदर अंदर आपको टेक्नो स्पार्क 8P इंडिया में देखने को मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन में एक 6.6 इंचेस की मिलती है फुल HD प्लस डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है और काफी इंटरेस्टिंग आपको ये पीछे की तरफ से कैमरा मॉड्यूल इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। गेमिंग न्यूज टाइम गेस, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी गेम अगले महीने अनवेल होने वाली है और आज इस गेम के डेवलपर्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि एडम वॉरलॉक हमें इस गेम में देखने को मिलने वाला है।
PS Vita की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए अगले महीने नवंबर में PS Plus यूजर्स को 3 नहीं 6 गेमिंग टाइटल्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलने वाली है। अब ये कौन से गेमिंग टाइटल्स होंगे ये तो अभी के लिए कंफर्म नहीं हुआ, बट यस नवंबर में PS Plus यूजर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग गेम्स देखने को मिलने वाली है। हेलोवीन का टाइम चल रहा है और माइनक्राफ्ट डंजन्स के लिए भी फाइनली हेलोवीन सीजन अनवेल हो गया है। इस बारी सीजन का नाम है स्पूकियर फॉल, पिछली बारी था स्पूकी फॉल, इस बारी कुछ ज्यादा डरावना आपको सीजन देखने को मिलने वाला है। काफी सारे चेंजेस आपको इस सीजन में देखने को मिल जाते हैं और आज से लेकर नवंबर 2 तक आपको ये इवेंट लाइव देखने को मिल जाती है। सर्टिफिकेशंस टाइम गेज वायो से करते हैं आज की सर्टिफिकेशंस शुरू। वायो के कुछ नए लैपटॉप्स आपको काफी जल्दी ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आज इन सारे अपकमिंग लैपटॉप्स को मैंने स्पॉट कर लिया है। वीवो की बात करेंगे तो वीवो Y21T जिसमें हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 898 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है आज 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो गया है। 44 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग हमें स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। वीवो का वैसे एक और नया स्मार्टफोन V2115A क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर के साथ आज गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग पे लिस्ट हो गया है। ये स्मार्टफोन दिखता कैसा है और इसकी की स्पेसिफिकेशंस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और आईक्यू का भी एक और नया स्मार्टफोन जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर होने वाला है गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग पे आज लिस्ट हो गया है। ये स्मार्टफोन काफी जल्दी इंडिया में भी अब लॉन्च होने वाला है। और इंडियन लॉन्चेस की वैसे बात करें तो ऑनर के कुछ नए लैपटॉप्स इंडिया में अब जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं। इनकी बैटरीज को आज मैंने इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे स्पॉट कर लिया है। Xiaomi जल्दी ही अपने एक और नए मॉप को लॉन्च करने वाला है, इसका नाम होगा Xiaomi रोबोट वैक्यूम मॉप 2 लाइट। इंडोनेशिया की टेलीकॉम सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे ये मॉप भी आज सर्टिफाई हो चुका है। ओको M4 Pro 5G आज सिंगापुर की IMDA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुका है। एशियन लॉन्च ऑफ दिस स्मार्टफोन इज नॉट टू फार अवे फ्रॉम नाउ और इस स्मार्टफोन में हमें NFC की सपोर्ट भी देखने को मिलने वाली है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, पोको X4 सीरीज का एक स्मार्टफोन जो कि इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है, इंडियन वेरिएंट को आज मैंने IMEA डेटाबेस वेबसाइट पे स्पॉट कर लिया है। ऑन दैट नोट गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अ पीस। जय हिंद।